तस्वीर भी वहां पर हमें दिखाई दे रही है उनके फैसलों में कम से कम, लेकिन एक बार हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। आशीष वहां पर मौजूद हैं। आशीष बताइए क्या अपडेट है, और देखिए स्टूडियो में तो अब ये डिस्कशन इस वक्त हो रहा है कि मेयर किसका होगा। चलिए आशुतोष है हमारे साथ, आशुतोष। मीनाक्षी देखिए, अगर जो ऑर्गेनिक गठबंधन जिसे कहा जाता है वो बीजेपी के पास तेलंगाना में नहीं है, पूरे तेलंगाना में नहीं है, हैदराबाद की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात ये भी समझिए कि जब भी विधानसभा में जरूरत पड़ती है टीआरएस को तो नेचुरली अलाई बन जाती है उसमें एमआईएम। एमआईएम लगभग हर बिल पर समर्थन देती है, तो अगर मेयर की नौबत आती है तो उसमें एमआईएम सीधे सीधे टीआरएस को समर्थन देगी, वहां वो समीकरण बनेगा। लेकिन बीजेपी दिल्ली से प्रचार में भले जो भी टारगेट रखा हो, यहां के नेता थे सीधा कहते थे हमारे पास 4 है, अगर हम 40 पहुंच गए तो मनोबल बढ़ जाएगा। भाई आप देखिए कि जो दुबक्का बाईपोल था वहां आप जीत गए, आपके पास एक लोकसभा सांसद है तो मनोबल जो है वो तेज है। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर पर आज खामोशी नहीं है, आप टीआरएस का जश्न देख रही हैं। अब से 30 मिनट में यहाँ पटाखे भी फूटेंगे, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, और वो तैयारियां हैं डॉक्टर साहब? पूरी तैयारी है सर, पटाखे भी है, ढोल नगाड़े भी है, सेलिब्रेशन भी है, और जीतने की बहुत खुशी भी है। लेकिन बनाने तो आप मेयर वाले थे, कहाँ 40-45 पर निपटते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो बड़े टारगेट को लेके ही लड़ा जाता है, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि मुझे 4 से 5 सीटें लेनी है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है अगर बीजेपी, और वो चुनाव मैदान में है, रण में है, कहीं ना कहीं वो जीत के लिए दिखाई दे रही है हमारे संवाददाता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।